हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकुश आपका स्वागत करता हूँ हमारे नए इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे कोवैक्सीन रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, कोवैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है और कैसे होता है, और स्लॉट की बुकिंग भी हम कैसे शेड्यूल करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सब बातें करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये कोवैक्सीन का जो वेबसाइट है cowin.gov.in, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, साइट का जो लिंक है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप वहां से भी जाके ओपन कर सकते हैं, और आप अपने आरोग्य सेतु ऐप से भी कोवैक्सीन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड और साइन इन योर सेल्फ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ से सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आप लॉगिन करने के लिए भी आप अपना मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं, और साइन इन करने के लिए भी, यानी कि रजिस्टर करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे गेट ओटीपी पे मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी अपने आपके मोबाइल पे रिसीव होगा। आपको यहाँ पे वो ओटीपी लिख देनी है। मैं यहाँ पे ओटीपी लिख दिया हूँ। उसके बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड हो जाएगा, उसके बाद आपको एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो गया है। इससे पहले मैं अपना नाम यहाँ पे और अपना पैन कार्ड के थ्रू यूज किया था। आपको फिर से बताता हूँ कि आप अपना एड मेंबर कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जब आप अपना मोबाइल नंबर और उसके बाद अपना ओटीपी डालने के बाद आपको इस तरह का पेज ओपन होगा, रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन। रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन के लिए आपको यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ मांगी जाएगी, जिसमें आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और पेंशन बुक यूज करना है। जिसमें से मैं प्रीफर करूंगा आप आधार कार्ड और पैन कार्ड यूज कर सकते हैं। तो मैं पैन कार्ड यूज कर रहा हूँ। मैं अपना पैन कार्ड नंबर लिख दिया। पैन कार्ड नंबर पे जो मेरा नाम है उसको यहाँ पे लिखना है। मैं पैन कार्ड पे जो नाम है वो यहाँ पे मैं लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है जेंडर, मेल या फीमेल, तो मेल ऑफ कोर्स। उसके बाद आपको ईयर ऑफ बर्थ में जो पैन कार्ड के जो चार डिजिट है, जो कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर का जो चार डिजिट है वो लिखना है ओनली फॉर। इसी से पता चल जाएगा कि आपका एज 18 प्लस है या नहीं है। इस पैन कार्ड से मैं ऐड कर रखा हूँ। उसके बाद आप जब वहां से ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह का वैक्सीनेशन, इस तरीके से आपको मेंबर यहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद आपको शेड्यूल पे क्लिक करना है। शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद शेड्यूल नाउ पे क्लिक करना है। शेड्यूल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एरिया का पिन कोड डालना है। आप एरिया का पिन कोड या सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ पे अभी आ रहा है नो वैक्सीनेशन सेंटर इज अवेलेबल फॉर बुकिंग। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आप अभी घबराना मत, कि यहाँ पे साफ साफ ये लिखा है अपॉइंटमेंट फॉर एज 18-44 इज बेस्ड ऑन स्लॉट मेड अवेलेबल बाय द प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर एज वेल एज द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। इफ स्लॉट आर नॉट करेंटली अवेलेबल, इट विल बी ओपन सून, प्लीज चेक अगेन इन सम टाइम विद अ ग्रेट इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 18-44 के बीच में जो स्लॉट अवेलेबल है, जो प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्लॉट अभी अवेलेबल नहीं है और बहुत जल्द इसको ओपन कर दिया जाएगा। जो आप थोड़ी देर के बाद या कुछ दिनों के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के द्वारा जो लिस्ट जारी करना था वो लिस्ट अभी उन्होंने नहीं जारी किया है कि कौन कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। तो जैसे ही लिस्ट जारी कर दिया जाएगा यहाँ पे, वैसे ही स्लॉट देखना शुरू कर दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।